हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अज मैं थोड़े नाल इस क्रीमी सोआ चंक्स की रैसपी शेयर करांगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी है। तो ये जिहड़े जिहड़े समान की लोड़ पैनी है, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ें चाहिए वो मैं तुहानू अगे वीडियो में दस दी हाँ। तो चलो शुरू कर दें बनाउणा। क्रीमी सोआ चंक बनाने लिए सब तो पहला मैं पानी गर्म होना रख दिता है। तो ये हूँ मैं आह जड़िया बड़िया होंगे सोआ चंक्स, जिन्हों सोआ बड़ी भी कहें, तो यह मैं ये पा दाँगी। इन चंगी तरह थले पानी के डोब दूंगी। बड़िया मैं इदा पानी में भे के रख देना है, मैं इन्हों उबालना वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बस गर्म पानी ले लिया तो वह इतना भे के रख देनी है अद्धे घंटे लिए। तड़के दे ले मैं हाँ दो मीडियम साइज के प्याज पी ले, ये मैं तीन चार लसन दी कलियां उन्हें भी नाल ही पी लिया है। फिर अदरक अदरक पावे एक चमचा, मैं ये मैं पी के रखे होंगे पहले ही। आ दो हरिया मिर्चा है ये पावे आप, पाना कहें इतने, पर यह हैगी क्रीम जी अपनी क्रीम जिदा यूज़ करते हैं आप सब्जियों के मिल्क क्रीम, वो है ये आप यूज़ करा। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। बाकी जो मसाले वगैरह पैना है वो मैं तुम्हें नाल दसांगी, बहुते मसाले भी ये यूज नहीं होने। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। पैन दे विच मैं ऑलिव ऑयल पा दाँगी, तुसीं जिहड़ा मर्जी ऑयल यूज कर सकते हैं। हम तेल दे विच अद्धा कु चम्मच मैं हाँ जीरा थोड़ा ही पाउणा है। इहदे नाल ही मैं प्याजां दी जिहड़ी पेस्ट बनाई है ये पा देणी आपां। तुसी ये रेसिपी बनाने लई जे हो सकता है तो वाइट जिहड़े चिट्टे प्याज हुंदे आ इही लो, इन्हां नूं आपां सिर्फ पकाउणा आ ब्राउन नहीं करना अज। प्याज पाउण तों बाद मैं आ जिहड़ियां दो हरियां मिर्चां आ इहनूं इदां इक चीरा दे के इदां साफ़ियां बस विच पा दांगे। आप इन्हों ब्राउन ज्यादा ता नहीं करना क्योंकि आप जी ग्रेवी है वाइट बनानी है अज। आ जड़ी बड़िया मैं पहला पे के रखी सी इन्हों मैं हम एक छाननी के कड़ लाँगे, सारा पानी यदा आप कड़ लेना है। बड़िया मैं इदा एक छाननी के छान लिया है, सॉफ्ट हो गई है हूँ ये अपन बड़िया। प्याज थोड़े पक गए हूँ, मैं ये एक चम्मच अदरक जो पीसिया हुआ ये पा देंगे, इन्हें भी मिक्स कर देंगे नाल। प्याजां नूं आपां स्लो तो मीडियम फ्लेम के बिच बिच पकाउणा है, बहुता मतलब गैस तेज नहीं करनी आप, इहदे फ्लेम तेज नहीं करनी नहीं तो प्याज अपने ब्राउन हो जाने, पर आपां ब्राउन नहीं करने, बस आप प्याजा पकाना है। देखो तेल अलग होने लग पाया है, प्याज पक ही गए। बस तुम इन्ना ध्यान रखना है कि जेडे प्याजा का कलर ना चेंज हो जाए, वैसे पक जाए। प्याजा बस इन्ना ही पकाना है, 10-12 मिनट में बिल्कुल मीडियम तो स्लो फ्लेम के बिच बिच पका लिया है। हम ये मसाले पाऊंगी, गैस आप घट कर देनी बिल्कुल। हूँ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਆ ਵਾਈਟ ਪੈਪਰ ਆ ਇਹ ਪਾਉਂਗੀ, ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਨਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਹੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੇਂਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲਊਂਗੀ। ਨਮਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ 1 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਆ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਣਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕਣ, ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਚੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰੀਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ,
क्रीम पाउन तो बाद हुण मैनू ढक्कन नहीं देना इहदे उत्ते, बस इदां ही इहनू 5 मिंट लई पकाउणा है। क्योंकि बड़ियां अपनियां पक गईयां है पहलां ही। पांच मिनट लिए इन्हों मैं पका लिया है। हूँ मैं ये हरा धनिया है ये आप पा देंगे। मिक्स कर देंगे। सब्जी अपनी पक गई है, बस गैस में हूँ बंद कर देना है। तेनु सर्व कर दें। थोड़ा जिहा धनिया इहदे उपर पा देंगे गार्निशिंग लई। क्रीमी सोया चंक्स बन के तैयार है। सोया बड़ी क्रीमी ग्रेवी के नाल बहुत ही टेस्टी है सब्जी बन के तैयार होंगी है। तुम भी एक बार जरूर ट्राई करो। तो जे तो हम मेरी रैसपी अच्छी लगती है वीडियो में लाइक करया करो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो। तो मिलते हैं तुम्हें एक नवी रैसपी के नाल। तद तक मेरे दो इजाजत।